मेरा ट्रांस एक्टिविज्म जो है वो यही है, मेरी आर्ट ही है, क्योंकि मैं कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, मैं किसी से लड़ नहीं सकती हूँ, मैं किसी को जाके समझा नहीं सकती हूँ कि तुम प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे मानो। मैं कर सकती हूँ तो बस एक चीज़ की, मैं मेहनत कर सकती हूँ। टैटूज़ मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं दिखाना चाहती हूँ लोगों को, या जो भी मैं अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ, उसको मैं बोल कर नहीं बट दिखा कर बता सकती हूँ। जितने भी लोग मेरी कम्युनिटी में हैं वो टैटूज़ को लेके, टैटूज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि टैटू इंडस्ट्री खुद एक टैबू इंडस्ट्री मानी जाती थी पहले इंडिया में, अभी भी मानी जाती है। बहुत सारे लोग टैटूज़ के लिए भी इतना ही बुरा मानते हैं जितना एक ट्रांसवुमन होने के लिए, कभी कभी उससे भी बुरा मानते हैं, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट वो बात वही है, कुछ रेबल बच्चे होते हैं जिनको वो करवाना होता है, एंड पहले के लोग बोलते हैं कि तुम ख़राब कर रहे हो अपने शरीर को, या ये मत करवाओ, ये सही नहीं है, गलत है, या कुछ भी है। बट मैंने खुद जब बनवा कर देखा तो मुझे लगा कि कोई मेरे अंदर चेंज नहीं आ गया है, क्योंकि कम्युनिटी में जितने भी मैं लोगों से मिली हूँ वो यंग है, 16-17 साल के बच्चे हैं। मैंने कभी भी किसी बड़े लोगों को इतना कम्युनिटी में नहीं देखा है जो कि 30 इयर्स के या 35 के हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो लोग ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए। बट जो अब बच्चे हैं वो यंग है, सो उनके पास इतना पैसा नहीं होते हैं, इतना कैश नहीं होता है कि वो टैटूज़ करवा पाएँ। बट जब मैं देखती हूँ कि कितना मन है उनका वो टैटू करवाने का, कितना ज़्यादा वो करवाना चाहते हैं, एंड बहुत टाइम से उन्होंने सोचा हुआ है उस टैटू के लिए, तो बहुत बारी मैं उनको डिस्काउंट्स देती हूँ, बहुत बारी मैंने उनके फ्री टैटूज़ भी किया है, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के मैंने फ्री टैटूज़ दिए उस टाइम पे। पच्चीस साल तक मैं एक लड़का थी, एंड मुझे बिल्कुल भी अपने बारे में पता नहीं था कि मैं क्या हूँ, क्या बनना चाहती हूँ। अपने आप से जो एक्सेप्टेंस मुझे चाहिए थी वो लेनी बहुत मुश्किल थी, वो समझना ही इतना मुश्किल था कि एक लड़के के लिए कि मैं एक लड़की हूँ और अब मुझे लाइफ चेंज करनी है या ऐसे जीना है। तो मेरे लिए आर्ट आर्ट भी थी, और मेरे लिए आर्ट ब्रूना भी थी, क्योंकि मैंने ब्रूना को बनाया है। आज जो मैं दिखती हूँ, जैसी मैं हूँ, मैं ऐसी नहीं थी। एक बहुत मुश्किल होता है एक लड़के को एक लड़की में चेंज होने के लिए, ब्रूना को बनाना भी मेरे लिए एक आर्ट है, ब्रूना ही मेरे लिए एक आर्ट है। तो ब्रूना को जब मैं बनाती चली गई धीरे धीरे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, आज 2 साल हो गए हैं और मैं उसको भी बनाती चली जा रही हूँ। आज जब मैं लोगों से मिलती हूँ, तो अभी मेरे रिसेंटली एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि तुमने जिस इंसान को क्रिएट किया है वो इतना खूबसूरत है, वो एक आर्ट है। तो मुझे लगा कि ये मैं हूँ और मुझे अपना नाम अपने आप को देना चाहिए, इसलिए मैंने अपने आप को एक नाम दिया ब्रूना, और मैंने अपनी कास्ट को हटा दिया, क्योंकि मैं जब किसी जेंडर में बिलीव नहीं करती तो मैं किसी कास्ट में भी बिलीव नहीं करती, मेरे लिए हर इंसान सेम है। तो ब्रूना फ्री स्पिरिट है और वो फ्री हमेशा आर्ट से जुड़ा रहेगा, क्योंकि आर्ट इतनी फ्री है तो मैं भी वैसा फ्री बनना चाहती हूँ। मेरा नाम इसलिए ब्रूना फ्री स्पिरिट है क्योंकि मैं फ्री हूँ, मैं हर जेंडर से, हर चीज़ से, जो सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स हैं उन सब से फ्री हूँ। बींग अ ट्रांसवुमन इन दिल्ली बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, शायद वो लोग बहुत ज़्यादा होमोफोबिक है। दिल्ली में ट्रांसवुमन होना मुश्किल इसलिए है क्योंकि तुम अगर रोड पे निकल रहे हो तो तुम्हें ये बात समझनी है कि लोग तुम्हें देखेंगे। दिल्ली में लोग डरते नहीं है किसी ट्रांसवुमन को छेड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें अभी तक पता ही नहीं है कि कोई लॉ भी है इनके लिए। अब एक लॉ आ चुका है जो कि ट्रांसबिल है, जिसके हिसाब से जो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर कोई किसी लड़की का रेप करता है तो उसे 6 ईयर्स की सज़ा मिलती है, 10 साल की सज़ा हो गई है अब। अगर कोई ट्रांसवुमन का रेप करता है तो उसे सिर्फ 2 साल की सज़ा मिलती है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इन चीज़ों से थोड़ा बच कर चलूँ, किसी से फ़ाइट ना करूँ, बट बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ। लोग मैं जाती हूँ तो मुझ पर गाने गाते हैं, मेरे को देख कर गाने गाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे हलवा, मुझे नहीं समझ आता कि हलवा क्या होता है, बट कोई चलते चलते कोई मुझे छक्का बोल देता है। मेरा एक नाम है, मेरी आइडेंटिटी है, तो मुझे उससे बुला सकते हो। डर लगता है ट्रैवल करने में, मेरी
मॉम को बहुत डर लगता है, मेरी मॉम को पहले कभी भी डर नहीं लगता था। मैं कहीं भी, जब मैं एक लड़का थी, मैं रात को 2 बजे या 3 बजे कहीं भी हूँ, बाइक पे हूँ या गाड़ी पे हूँ या किसी के साथ हूँ या ना हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ या नहीं हूँ, ड्रंक हूँ या नहीं हूँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो कभी कॉल भी नहीं करती थी। आज जब मैं एक लड़की हूँ और उन्हें पता है कि मैं बाहर जा रही हूँ, तो उनको डर लगता है, उनके साथ साथ मुझे भी डर लगता है। बहुत सारी ट्रांस वुमेंस हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, जो मुझसे मिलती हैं आके और बोलती है कि ब्रूना, हम ड्रेसअप करते हैं, सब करते हैं, बट हम बाहर नहीं जा सकते, हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम बाहर जाएं या बाहर जाकर इसको फेस कर पाएँ। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि तुम्हें जब भी बाहर जाना है, तुम्हें जब भी ड्रेसअप करना है, तो मेरे स्टूडियो पर आ जाओ, क्योंकि ये स्टूडियो मेरा घर है। यहाँ पे स्टूडियो को मैंने इस तरह से बनाया है, इस तरह से पेश किया है कि जितनी भी कम्युनिटी में लोग हैं, वो इसको एक बहुत ही बड़ा सेफ स्पेस समझते हैं। हर अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो यहाँ आ सकता है। उन सबको मैं वेलकम करती हूँ अपने स्टूडियो पे। ये एक सेफ स्पेस है, तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, नज़रिया बदलने में मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ, हम तुम्हारे पेरेंट्स को समझा सकते हैं, या फिर तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने आप को एक्सेप्ट करने में, तो मैं तुम्हें समझा सकती हूँ कि किस तरह से तुम्हें पॉजिटिवली इसको लेना है और किस तरह से पॉजिटिवली तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो।